इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश में तमाम सार्थक काम किए गए हैं। प्रदेश में विकास कार्यों और योजनाओं का सरकार ने अच्छा संतुलन बनाए रखा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम किया गया है और आवागमन के नियोजित तरीके से काम किया गया है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश अपने प्राचीन गौरव को बनाए रखने के साथ विकास के नए आयाम स्थापित किया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य सरकार अलग अलग क्षेत्र में नीतियां एवं योजनाएं बनाकर काम कर रही है। प्रदेश में अकल्पनीय अद्भुत एवं सार्थक कार्य किए गए हैं। मैं प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़ी कुशलता से विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का संतुलन बनाए रखा है। प्रदेश में कई नए एक्सप्रेस वे के निर्माणों के साथ सड़कों का जाल बिछा चुका है तथा आवागमन के लिए योजनाबद्ध तरीके से सड़कें बनाई जा रही है। नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं। जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण व अस्पतालों का विकास हो रहा है। मेरा मानना है कि यह सब ये दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। विकास कार्यों से गरीब वंचित पिछड़ों का जीवन बदलता है और साथ ही नया इतिहास भी लिखा जाता है। देश एवं प्रदेश के विकास के लिए कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मुझे खुशी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत मजबूत हो रही है। प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों क्षेत्रों